हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 2 + 4^2 + 5, और हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। जैसे कि ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी 23। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सॉल्व करना है 4^2 को। चलिए हम 4^2 जो कि होती है हमारे पास 16। जब भी हम किसी चीज की पावर निकालते हैं तो हम क्या सिंपली उतनी टर्म बार 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास 4^2 है तो हमारे पास क्या होगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास 4 टाइम मल्टीप्लाई होता है जो कि होता है हमारे पास 16। तो हम अब 4^2 की जगह क्या लिखेंगे, 16 अब हम 4^2 की जगह क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + 16 + 5। चलिए अब हम इसे प्लस कर देते हैं, 2 + 16 जो कि होता है हमारे पास 18, 18 + 5 जो कि होता है हमारे पास 23। चलिए अब हम देख लेते हैं कि 23 हमारे पास कौन से ऑप्शन में दिया गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है उसमें हमारे पास 23 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं।